इसराइल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। हमास के आतंकियों ने तड़के इसराइल पर अचानक सैकड़ों रॉकेट्स से हमला बोल दिया था। यह हमला हमास के नियंत्रण वाली गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए कम से कम 2000 रॉकेटों की बौछार के साथ शुरू हुआ था। इस युद्ध की वजह से अब तक फलस्तीन के 5087 नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 15,270 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इसराइल में हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं। हमास का गठन 1980 के आखिरी दौर में पहले फिलिस्तीन इंतिफादा की शुरुआत के बाद हुआ था। पहला इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ था। पश्चिमी देशों की वजह से गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका और इसराइल पर जमकर बरसे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लेते हुए इसराइल और अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल और इस देश के साथ खड़े देशों ने न केवल मानवता, नैतिकता और अधिकारों का उल्लंघन किया है, बल्कि वे दुनिया के सामने एक झूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं। ब्रिक्स समूह के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मंगलवार को गाजा की स्थिति पर ब्रिक्स देशों के समूह का वर्चुअल शिखर सम्मेलन बुलाया है। इस बैठक में ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रायसी ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के लिए पश्चिम देशों की अन्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिम्मेदार है। बता दें कि ईरान ने हमेशा हमास और फलस्तीन की आजादी का समर्थन किया है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि इस युद्ध में उसने हमास का साथ नहीं दिया। इसराइल ने मानवता के अधिकारों का उल्लंघन किया। इब्राहिम रायसी, उन्होंने आगे इसराइल पर निशाना साधते हुए कहा, यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल और इस देश के साथ खड़े देशों ने न केवल मानवता, नैतिकता और अधिकारों का उल्लंघन किया है, बल्कि वे दुनिया के सामने एक झूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने आगे गाजा में चल रहे संकट के लिए इसराइल को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उन्होंने गाजा के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए अमेरिका को भी घेरा। रायसी ने इसराइल और अमेरिका पर जमकर साधा निशाना। इब्राहिम रायसी ने इसराइल को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा, इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि गाजा में किसी निर्दोष नागरिकों की मौत नहीं हुई है। उन्होंने बच्चों की मौत को भी जायज ठहराया है। रायसी ने इसराइल और अमेरिकी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन देशों को मालूम हो कि नरसंहार के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में कोई जगह नहीं होगी। युद्ध में अब तक 12,700 फलस्तीनियों की मौत। ताजा जानकारी के अनुसार इसराइल हमास युद्ध में अब तक 12,700 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं इसराइल में हमास के हमलों से मरने वालों की आधिकारिक संख्या लगभग 1200 है। हमास और इसराइल के जंग के बीच ईरान इसीलिए इतना ज्यादा हमास और फलस्तीन का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ईरान को इस्लामिक देशों का मसीहा बनना है। आप किसके साथ हैं, इसराइल या हमास? जवाब कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।